अटैक ऑन टाइटन, जिसका हाथ थाम के मैंने इस एनिमी के दुनिया में कदम रखा था, अब वो ऑफिशियली खत्म हो चुका है। 2019 वॉज द टाइम जब मैंने इसे स्टार्ट किया था, एंड देन एंडिंग का इंतजार करते करते कैसे ये 4 साल बीत गए पता भी नहीं चला। इट वॉज द मोस्ट इमोशनल जर्नी फॉर मी। वेल हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बी सिनेमैटिक, और आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन के फाइनल एपिसोड पर। जिन्होंने अभी तक ये सीरीज या एपिसोड नहीं देखा है उनके लिए स्पॉइलर वार्निंग, बी अलर्ट। अटैक ऑन टाइटन ही शायद एक ऐसा शो है जिसके फाइनल सीजन को क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए 4 पार्ट्स में एक अच्छे खासे गैप के साथ रिलीज किया गया है, एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट डिसीजन बाय द मेकर्स। क्योंकि फाइनल सीजन के लास्ट 2 एपिसोड में आप वो मेहनत वो क्वालिटी नोटिस कर पाते हो, और कहीं ना कहीं फाइनल सीजन के लास्ट 2 एपिसोड्स एक फुल फ्लेज मूवी की तरह लगता है। अब फाइनल एपिसोड की बात करें तो दिस इज अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट एंडिंग एवर इन द हिस्ट्री, जहां पे 1 आवर 26 मिनट्स के इस एपिसोड का फर्स्ट 1 आवर एक्शन से भरपूर है, और वो एक्शन को जिस तरह से डिजाइन किया गया है दैट वाज माइंड ब्लोइंग, जहां पे लिटरली काफी सारे नए टाइटन्स हम नोटिस कर पाते हैं, और साथ ही अच्छे खासे अप्स एंड डाउन्स उस एक्शन सीक्वेंस में और भी ज्यादा जान भर देते हैं, और हम एक एड्रिनलिन रश फील कर पाते हैं। बट हमारे इस एड्रिनलिन रश को उस पूरे एक्शन सीक्वेंस को सीरीज की म्यूजिक एपिकनेस से भर देती है, और मैं ये बात हमेशा से ही कहते आया हूँ कि अटैक ऑन टाइटन का म्यूजिक दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक्स में से एक है। और अब कैरेक्टर्स की बात करें तो फाइनल एपिसोड में बचे हुए सारे मेन कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे से यूज किया गया है। एक्चुअली ये सीरीज देखते वक्त मैं काफी ज्यादा टेंशन में था कि अब कौन मरने वाला है, और सबसे ज्यादा डर तो मुझे कैप्टन लीवाई के लिए लग रहा था कि भाई ये बंदा अब गया। बट फॉर्चुनेटली रमलिंग के एंड तक सारे इम्पोर्टेंट और एग्जिस्टिंग मेन कैरेक्टर्स जिंदा बच जाते हैं, जो बहुत ही सेटिस्फाइंग है। जो भी हो, आखिर तक मिकासा एरेन को मार देती है और रमलिंग खत्म हो जाता है। बट उसके बाद हम एरेन और आर्मिन के बीच में एक अच्छा खासा कॉन्वर्जेशन देखते हैं, जहाँ पे हम ये जान पाते हैं कि ये सब कांड एक्चुअली यमीर का था, एंड एरेन वॉज फॉलोइंग हर पाथ लाइक अ स्लेव टू एंड दिस टाइटन शिट एंड सेव मिकासा। क्योंकि यमीर मिकासा में खुद को पाती है, और कहीं ना कहीं मिकासा को सही रास्ता दिखाने पर ही यमीर को मुक्ति मिल सकती थी, और जो कि एंड तक हुआ भी। बट इन सब की कीमत दुनिया के 80% पॉपुलेशन को अपनी जान गंवा के देना पड़ा, जो कि प्रैक्टिकली और फिलोसॉफिकली इज नॉट जस्टिफाइड। आई नो ये चीज़ डिबेटेबल है, बट इस चीज़ को हमें अटैक ऑन टाइटन के दुनिया के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, तो शायद एक हद तक ये ठीक भी लगने लगे। क्योंकि अभी भी 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जिंदा है, जो अच्छे से बिना किसी टाइटन पावर्स के आगे बढ़ सकती है, और इवन बढ़ भी रही है, सो इट इज ओके फॉर दैट वर्ल्ड। और अब एपिसोड के एकदम एंड की बात करें तो एपिसोड के एंड में हमने देखा पैराडाइज आइलैंड ने पूरी दुनिया को स्वागत किया है ह्यूमैनिटी और जियोपॉलिटिक्स को ग्रो करने के लिए। कैप्टन लीवाई बच्चों को चॉकलेट्स बांट रहे हैं, आर्मिन, रायना और बाकी सब घर वापस आ रहे हैं, और मिकासा उसी पेड़ के नीचे बैठी है जहाँ से एग्जैक्टली ये सीरीज शुरू हुआ था, और मिकासा के पास ही एरेन की समाधि है। बट इसके बाद मिकासा के साथ क्या हुआ, और ये जानने के लिए क्रेडिट्स के वक्त साइड में इस इमेजेस पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर ही हम देख पाते हैं मिकासा की शादी हो गई है, एंड आई थिंक जीन के साथ ही हुई है। उसके बाद मिकासा टाइम के साथ साथ अपनी फैमिली और बच्चों के साथ फ्रीक्वेंटली एरेन के समाधि को विजिट करने आती रहती है, और साथ ही आर्मिन भी आता है, और एकदम एंड में मिकासा भी मर जाती है और उसे भी एरेन के पास ही दफनाया जाता है, और आखिर तक आर्मिन दोनों के समाधि को श्रद्धांजलि देने आता रहता है, और यहीं पर यह सीरीज ऑफिशियली खत्म हो जाता है। सो ओवरऑल हाजिमे इशियामा हैज क्रिएटेड एन अनडिफीटेबल मास्टरपीस, जिस लेवल की फोरशैडोइंग, प्लॉट ट्विस्ट, हाई मोमेंट्स, डायलॉग्स, एक्शन, म्यूजिक एंड कॉन्सेप्ट्स इस सीरीज में है, फ्यूचर में शायद ही कोई इसके करीब आ सके। और साथ ही इस सीरीज का इन्फ्लुएंस सदियों तक दुनिया में रहने वाला है, लोग इससे इंस्पायर्ड होके कई मूवीज और सीरीज बनाने वाले हैं, और इससे काफी कुछ सीखने वाले हैं, बिकॉज नाउ
Attack on Titan has become a masterpiece of ages and the greatest piece of media ever created.